वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ द्वारा निशुल्क कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आज मैं पहुंची हूँ IMA। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर IMA द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। आइए हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टर से कि किस तरह का जागरूकता शिविर है और उसके बारे और उसमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन के साथ ये बताइए कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे। वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग 4 तारीख को मनाते हैं। ये करीब 1933 से ये दिवस मनाया जाता है। कैंसर इस समय काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उसको किस तरह से हम लोग मरीजों को जागरूक करें, कैसे हम उसको जल्दी डिटेक्ट करें जिससे कैंसर से होने वाली मौतों को हम लोग कम कर सकें। तो इस दिन आज हमारे बीच डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर निशी श्रीवास्तव हैं और वो भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और मेरे प्रेसिडेंट लखनऊ IMA के डॉक्टर मनीष टंडन वो भी मौजूद हैं। तो वो उनसे जागरूकता शिविर का जो आप लोग स्टार्ट करने वाले, इस पर क्या क्या फैसिलिटी होंगी, किस तरीके का शिविर है ये? नहीं, अभी यहाँ पर तो हम लोग जो पेशेंट आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। पहले ज़माने में था कि कैंसर आ गया मतलब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज की तारीख में अगर कैंसर है जितना जल्दी हम पता कर लेंगे उतनी जल्दी उसका क्यूरेटिव इलाज है। इवन है इस स्टेज तक कि एकदम नॉर्मल जैसे बीमारी आई और चली गई उस तरह का इलाज हो सकता है। तो शिविर का पर्पज़ यही है कि हम जितनी जल्दी कैंसर को डिटेक्ट करें, यहाँ तो कुछ मैसेज देखे जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको भी जहाँ भी जरा भी समझे हो या रिजिस्ट लोग हो, जितना जल्दी वो कैंसर को पता करेंगे उतना बढ़िया इलाज और उतनी क्योर होगी। उसके लिए डॉक्टर मैडम ने अपना अभी यहाँ पर स्क्रीनिंग कराई। ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है, जो कैंसर जो होता है उसमें ये होता है कि जब लास्ट स्टेज पे या थर्ड स्टेज पे या फोर्थ स्टेज पर आता है तभी उसके सिम्टम दिखते हैं, तभी पेशेंट जो होता है वो जब जाके वो चेकअप या जो भी करवाता है उसके बाद ही उसको ये पता चलता है कि वो कैंसर से मरीज है। तो ये कैसे पता चलता है कि वो पहले से, या कोई कैसे जो इंसान है नॉर्मल पर्सन है वो कैसे पता कर सकता है कि वो उसके आगे कुछ भी बीमारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो कैंसर ही है? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय कैंसर इतना भयावह रूप लेता जा रहा है कि वर्तमान समय में अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो 25 लाख से ज़्यादा एक्टिव कैंसर के मरीज हैं। 25 लाख, कितनी बड़ी संख्या। और 9 लाख केस हर वर्ष आ रहे हैं, नए केस कैंसर के 9 लाख आ रहे हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग उसमें से 8 लाख मरीज करीब मर जाते हैं, तो हम 1 लाख के आसपास करीब मरीजों को बचा पा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे आपने पूछा, कि कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। पहला कारण ये है कि कैंसर जल्दी डायग्नोस नहीं हो पा रहा। और दूसरा कारण है ज़्यादातर डेथ का, कि कैंसर का इलाज ज़्यादातर, चूँकि कैंसर के विशेषज्ञों की बहुत बड़ी कमी है भारतवर्ष में, तो कैंसर का ज़्यादातर इलाज जो नॉन कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो कर रहे हैं, ये पेशेंट के ठीक ना होने का कारण। अब जहाँ तक रही बात ये कि कैंसर क्यों लेट स्टेज में डेवलप हो रहा है, उसके दो कारण। एक स्टडी हुई थी रोहतक मेडिकल कॉलेज में कि कैंसर लेट स्टेज में क्यों डिटेक्ट हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो जब पूरी स्टडी की गई तो उसमें ये निकला कि मरीज की गलती कि लेट मरीज आ रहा है केवल 20% थी, और 80% गलती डॉक्टर की थी कि कैंसर लेट स्टेज में पता चला है। उसका कारण ये है कि जैसे कि कुछ मरीज लापरवाह होते हैं कि गांठ है या कहीं अल्सर है, कहीं छाला है, कुछ दिक्कत है, खून आ रहा है, तो वो लापरवाह होते हैं, कहते हैं जब तक बीमारी कंट्रोल में नहीं होती, जब तक उनकी नींद नहीं हराम हो जाती, जब तक वो अस्पताल नहीं आना चाहते, डॉक्टर से बचते हैं। लेकिन इस तरह के कारण केवल 20% थे, 80% कारण डॉक्टर का। अब क्या है, किसी मरीज को कोई दिक्कत हुई वो तुरंत सबसे पहले अपने लोकल डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि तो मरीज का कसूर नहीं है, वो जानता ही नहीं उसे क्या बीमारी है। मान लीजिए किसी मरीज को खांसी में खून आ, तो वो लोकल डॉक्टर के पास जाएगा। अब लोकल डॉक्टर कहाँ से अपने इंडिया में स्टार्ट होते हैं, झोला छाप से लेकर सुपर स्पेशलिस्ट। सबसे पहले झोला छाप, जिनकी कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने कहीं कंपाउंडरी का कोर्स किया और डॉक्टर बन गए, उसके ऊपर फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर आते हैं, और उसके ऊपर फिर MBBS आते हैं, फिर स्पेशलिस्ट आते हैं MD या MS, और उसके ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट MCS। यानी हम लोग जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग सबसे लास्ट पर आए हैं, तो हम तक मरीज पहुंचते पहुंचते उसकी स्टेज अंतिम। तो
लेडीज जो है वो कैसे प्रिवेंट करें या कैसे पहले से ही इस चीज को अवेयर हो सके? देखिए, एक तो होता है कि सेल्फ एग्जामिनेशन, लेडीज अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और दूसरा जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, जो किसकी मदर को है, किसी ग्रैंड मदर को, ग्रैंड मदर मीन द साइड मतलब मैटरनल साइड, तो उनको आफ्टर 35 ईयर एक स्क्रीनिंग करानी चाहिए, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करानी चाहिए, उससे जल्दी अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए। लाइक दैट इन सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो, हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट फीमेल पेशेंट को आफ्टर द एज ऑफ 35 साल में एक बार पैप स्मियर कराना चाहिए, आईडी कराना चाहिए, और एक एचपीवी के लिए टेस्टिंग होती है वो भी कराते हैं, क्योंकि एचपीवी अगर किसी में पॉजिटिव है वो पेशेंट हाई रिस्क फैक्टर होते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो एचपीवी के लिए आजकल स्क्रीनिंग पैप स्मियर टाइप करके लिए देते हैं, ये सब चीज़ अगर अवेयरनेस हो, लोग कराते रहें, साल में एक बार पैप स्मियर करा लें, तो जल्दी डायग्नोसिस और क्योर रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के क्योर रेट बहुत अच्छे हैं, स्टेज टू तक तो बहुत अच्छी, स्टेज थ्री स्टेज फोर में से कम हो जाता है, लेकिन स्टेज थ्री में भी सर्वाइकल कैंसर ठीक होता है। चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।